चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। एंड आज है 28th of August, फ्राइडे, और मैं उड़ गई थी, आई थिंक 8:30 पे उड़ गई थी, और अभी 9:15 हो रहे हैं। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, और ब्रेकफास्ट में आज कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। मैं डोसे के बैटर से ढोकला बना रही हूँ, वो भी सैंडविच स्टाइल। तो चलिए फिर बनाते हैं, पहले हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे। चलिए फिर चलते हैं। मेरे पास जो ढोकले का साँचा है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसमें बार बार करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि एक बार में किसी बड़े उसमें कर लेती हूँ। तो मेरे पास सबसे बड़ा बर्तन यही है और सबसे बड़ी प्लेट यही है, तो इसमें डालकर मैं बना रही हूँ। उसको ऑलरेडी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। चटनी के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। सो चटनी में देखिए, सबसे पहले डालेंगे कुछ करी लीव्स, और मैंने एक ग्रीन चिली ली है, तो ऑगी को भी शायद ज़्यादा तीखा ना लगेगा, रिस्क ले रही हूँ मैं। एक छोटा वाला और निकाल देती हूँ, कहीं ज़्यादा तीखा ना हो जाए। और ये मैंने लिए हैं थोड़े से कैप्सिकम, ये भी हम डाल देंगे। अब ये बहुत सारा हरा धनिया लिया है मैंने, इसको भी इसमें डाल देंगे। धनिया डाल दिया, अब लेमन जूस, ये जीरा, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे ये फल्ली, ग्राउंड नट्स, थोड़ा सा शुगर। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ये बेसन, लास्ट में डलेगा थोड़ा सा ये डोसा बैटर, 2 टू स्पून डाल रही हूँ मैं। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, और मेरा ज़्यादा फुल हो गया तो ये गिरने लगा है, फुल हो रहा था इसलिए मैंने उसको पहले ग्राइंड कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, और ये फूड कलर, ताकि इसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश रहे। तो अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए, ऑप्शनल। अब मैं इसको फिर से ग्राइंड कर लूँगी। तो मेरा जो स्टीमर है वो गर्म हो चुका है, तो अब इसमें मैं डोसा बैटर डाल रही हूँ। एक लेयर पहले डलेगा, फिर बीच में चटनी डलेगी, फिर दूसरा लेयर डलेगा। तो पहला लेयर कुक होने के बाद हम चटनी लगाएंगे, और दोनों लेयर सेम होने चाहिए, इसलिए बेटर है कि आप दोनों पोर्शन सेम ऐसे डिवाइड करके रख लें, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। सो मेरा पहले वाला जो बैटर है, देखिए वो रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर जो हमने चटनी बनाई थी वो लगा ले, और चटनी में नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिए। मेरा नमक थोड़ा कम रह गया था, तो नमक अगर परफेक्ट होगा तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम ऐसे इसको अच्छे से पूरा फैला लेंगे। फिर अपना दूसरा लेयर बनाने के लिए भी जो बैटर है हम ऊपर से अच्छे से डाल के स्प्रेड कर दिए। बहुत ज़्यादा उसको ऐसे मिक्स नहीं करना है, वरना चटनी ऊपर आ जाएगी। तो अच्छे से फैला दीजिए और कुक करने के लिए रख दीजिए। तो मेरा ढोकला रेडी हो गया है, इसका तड़का रेडी कर देते हैं। तड़के में क्या डलता है आप सबको पता है, करी लीव्स, मस्टर्ड सीड्स, रेड चिली, और मैं इसमें तिल भी डाल रही हूँ, तिल से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हमारा तड़का हो गया है रेडी। अब हम तड़के को अच्छे से पूरे अपने डोसा बैटर वाले ढोकले पे फैला लेंगे। सो ये हो गया रेडी। सो मेरा सैंडविच ढोकला हो गया है बिल्कुल रेडी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, और खाने में भी बहुत ही अच्छा बना था। ऑगी ने तो मॉर्निंग में और नाइट में दोनों में यही खाया, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। काम वाम करके, खाना बना के, लाइट जला देती हूँ। खाना बना कर हो गया है सब काम, अब लंच का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। तो लंच में मैंने आज क्या बनाया है, बहुत ही एक सब्जी बनाई है और एक राइस बनाया है, नथिंग एल्स। लंच में बना है आज एग करी बना है, इन दोनों को ही एग बहुत पसंद है, मैं तो नहीं खाने वाली हूँ, बट एग बना दिया है। और यहाँ राइस रेडी है, सैलेड रेडी है, तो चलिए पहले इनको खाना दे देते हैं। बिजनेस गेम खेला हमने 2 घंटे तक, और अब हम देख रहे हैं कोई सीरीज मूवी है, पता नहीं क्या है। तो
अब ये देखेंगे, कहीं बाहर नहीं गए हैं तो भूख तो अभी लगी नहीं है, पता नहीं कब खाएंगे कुछ पता नहीं। तो अभी हम देख रहे हैं उसका नाम क्या है, पता नहीं क्या नाम है, देख लेते हैं उसके बाद बताएंगे कि क्या नाम था। और ऑगी कर रहा, खेल रहा है अपना, व्हाट आर यू प्लेइंग, टॉकिंग टॉम, सब सुनाई दे रहा है। और अभी मूवी बजने भी नहीं चल रहा है ना वाले, इसमें तो, इसलिए अभी 8 o'clock होने वाले हैं, तो चलिए हम देखते हैं अपनी सीरीज मूवी जो भी है। सो 9:03 हो रहे हैं और अभी मैं लंच बना रही हूँ, कुछ नहीं, जो दिन में राइस बचे थे उसका ही ऐसे जीरा राइस फ्राइड राइस टाइप से एक बना रही हूँ मैं। क्या कर रहे हैं ऑगी जी? अच्छा, क्या फेंक दो ऑगी जी, हाउ वॉज योर वीकेंड, डिड यू इंजॉय और जस्ट बोर्ड? बोथ बोथ, लुक एट मी हियर, से समथिंग टू योर फ्रेंड्स। मतलब दिन अगर घर पे रहो ना तो कटता ही नहीं है, मतलब इतनी मूवी देख ली, गेम खेल लिया, सब कर लिया, उसके बाद भी सिर्फ 10 ही बजे हैं, और वरना बाहर जाके आते हैं तो कितना फटाफट से टाइम निकल जाता है। तो बस अब सोने की तैयारी चल रही है, ब्रश वश करेंगे और सोएंगे, देखें नींद कब तक आती है, इतनी जल्दी नींद तो आती नहीं। और क्या करें, ऐसे ही है, जब तक ये कोरोना का वो नहीं होगा तो अगर काम होता था तो ही हम जाते थे, स्पेशली ऐसे घूमना, घूमने के लिए जाओ ना तो बस शॉपिंग हो जाती है बेकार की, इससे अच्छा जाओ ही मत, तो इसलिए आज हम गए नहीं, बस कल जाएंगे शायद सब्जी लेने के लिए बस, और कुछ ऐसे शॉपिंग नहीं है हमारी, तो ज़बरदस्ती जाने का कोई मतलब नहीं है बाहर। तो चलिए फिर हम करते हैं सोने की तैयारी, हो गया है सारा काम, अब हम सोने के लिए जा रहे हैं, और गिर से पापा के स्टोरी टाइम शुरू हो गया है, तो अंदर अगर मैं वीडियो करती तो इनको बीच में डिस्टर्ब हो जाता, इसलिए मुझे बाहर आके वीडियो एंड करना पड़ रहा है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।